दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आईटी अड्डा। आज का विषय काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। आज एक स्पेशल टॉपिक पर यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क के माध्यम से इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर आप यूएसबी के माध्यम से इंस्टॉल कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है, कौन सा सबसे बेटर है, किसके प्रोस कॉन्स क्या हैं, दोनों का कंपैरिजन क्या होता है, इन सारे विषयों पर आज यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो खास करके उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, तो उनको ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर हो सकता है कि इससे संबंधित सवाल जवाब आपसे कभी ना कभी कर ले। सो चलते हैं वीडियो स्लाइड की तरफ माय डियर फ्रेंड, ज़्यादा डिले न करते हुए, और समझते हैं कि यूएसबी बूट और नेटवर्क बूट में क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या प्रोस कॉन्स, क्या सिमिलरिटीज, इन सारे विषयों पे बात करेंगे। चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, आपके सामने टॉपिक ऑलरेडी मेंशन है, नेटवर्क बूट वर्सेस यूएसबी विच इज बेटर। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि नेटवर्क बूट और यूएसबी बूट में सबसे बेस्ट कौन सा है, उसी के इर्द गिर्द आज यहाँ पे बात होने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और समझते हैं कि बेसिकली नेटवर्क बूट और यूएसबी बूट में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में जानते हैं एक एक चीज। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आता है यूएसबी बूट क्या है। डेफिनेशन मेंशन है, बहुत वन लाइन डेफिनेशन है। बूटिंग अ सिस्टम यूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड ऑन अ यूएसबी ड्राइव। जब आप एक बूटेबल यूएसबी बनाते हैं और उसके माध्यम से आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो खास करके उसी विषय को हम यूएसबी बूट कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम हमारी डिपेंडेंसी जो है बायोस जो अर्लियर वर्जन है और यूएफआई जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, बायोस का अपग्रेडेड वर्जन है, इसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यूएसबी से इंस्टॉल कैसे करेगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली बायोस और यूएफआई के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम बूट प्रायोरिटी वगैरह सेट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। और कॉमन यूजर्स की बात करें तो यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन ट्रेडिशनल वे में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, या आप सिस्टम की रिकवरी कर रहे हैं, या किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की विंडोज के थ्रू लाइव टेस्टिंग कर रहे हैं, या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू लाइव टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको यूएसबी बूट जो है वो हेल्प करने वाला है। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, यूएसबी बूट क्या होता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा और आप इसको नोट डाउन जरूर करते चलेंगे। रीजन ये है कि हो सकता है कि आपके दिमाग से कुछ पॉइंट मिस कर रहे हो, तो आप उसको फिर से रिविजन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ माय डियर फ्रेंड्स, और समझने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्क बूट, जिसे हम पीएक्सई कहते हैं, PXE का पूरा नाम होता है प्री एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, और इसका मतलब है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन मेथड जिसके अंतर्गत हम नेटवर्क में विंडो डालने की प्रक्रिया को फुलफिल करते हैं। खास करके डेफिनेशन आपके सामने मेंशन है, बूटिंग अ सिस्टम ओवर अ नेटवर्क विदाउट अ लोकल डिस्क और यूएसबी। तो यदि आप नेटवर्क बूट के थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो आपको कोई भी पर्टिकुलर लोकल डिस्क की नीड नहीं है। आप डिस्कलेस पीसीबी बना सकते हैं, खास करके यूएसबी ड्राइव की आपको नीड नहीं है, किसी भी पेन ड्राइव वगैरह की आपको नीड नहीं है। आप आसानी से विंडो नेटवर्क के माध्यम से इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, सिस्टम गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स फ्रॉम अ नेटवर्क सर्वर। खास करके हम एक नेटवर्क सर्वर बना देते हैं जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस वगैरह कंटेंट्स होती हैं। विंडोज एनवायरनमेंट में उस सर्वर को हम WDS सर्वर बोलते हैं, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर। और आपको यहाँ पे आई बटन मिल जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे WDS सर्वर जाके आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइडलाइन देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल आपको मिल सकता है। तो ये नेटवर्क सर्वर कैसे एस्टैब्लिश करना है माय डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे जाके इसका लाभ ले सकते हैं। तो खास करके हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क सर्वर्स के माध्यम से नेटवर्क में नेटवर्क यूटिलिटीज को यूज करते हुए हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की प्रक्रिया फुलफिल करते हैं। खास करके कॉमन यूजर्स की बात करें तो जहाँ पे मास डिप्लॉयमेंट है, मास डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको एक साथ मल्टीपल कंप्यूटर पे, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो वहाँ पर आपको नेटवर्क बूट हेल्प करता है। खास करके जहाँ पे आपको डिस्कलेस वर्क स्टेशन बनाने हैं, मतलब ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिसमें डिस्क ही नहीं है, एक सेंट्रलाइज सर्वर बना रखा है। खास करके यदि आप बात करें कि यदि ऐसा नेटवर्क एनवायरनमेंट है जहां पे सिस्टमों में डिस्क ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको नेटवर्क बूट काफी हेल्प करता है। और
खास करके ये इंटरप्राइज एनवायरनमेंट में ज्यादा यूज में लिया जाता है, क्योंकि एक साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अपग्रेड करना है, फ्रेश करना है, बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी है, अपग्रेडेशन करना है, किसी भी सिचुएशन में आपको नेटवर्क बूट हेल्प करेगा, जहां पर आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स पे एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो यहां पे आपको नेटवर्क बूट, जिसे पीएक्सजी बूट भी कहते हैं कहीं कहीं, तो इसके बारे में आपको सारा कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। तो आप वीडियोज को पॉज करेंगे, सारी थ्योरी नोट डाउन करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर होता रहे। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम कुछ कंपैरिजन टेबल के विषय में बात करेंगे कि खास करके नेटवर्क बूट पीएक्सजी और यूएसबी बूट में डिफरेंसेस क्या हैं, कंपैरिजन टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स कंपैरिजन टेबल, नेटवर्क बूट वर्सेज यूएसबी बूट। इसमें कुछ फीचर्स हमने यहाँ दिए हैं, स्पीड हो गया, सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, बेस्ट फॉर हो गया, रिक्वायर्स इंटरनेट, स्केलेबिलिटी, इन विषयों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्पीड की तरफ। तो नेटवर्क बूट में आपको स्पीड कम मिलने वाली है, क्योंकि नेटवर्क की डिपेंडेंसी होती है, और नेटवर्क में हो सकता है कि एक सेम कॉन्फ़िगरेशंस के, सेम सेटअप के लैन कार्ड अवेलेबल ना हो, नेटवर्क केबल जो है हो सकता है कि अलग अलग कैटेगरी की नेटवर्क केबल यूज हो रही हो, और सेंट्रल डिवाइस की बात करें तो हब और स्विच में किस स्पीड के डिवाइसेज यूज हो रही है, उस सारी चीज़ों को ओवरऑल मिला लिया जाए तो आपको यहाँ पे नेटवर्क बूट लगभग यूएसबी बूट के कंपैरिजन में आपको स्लो देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं मिलेगा ही, डेफिनेटली मिल सकता है एक्चुअली, और यूएसबी बूट काफी फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पेन ड्राइव लगी होती है, डायरेक्ट कंप्यूटर में इंसर्ट होती है, और वो यदि यूएसबी की जो यूएसबी का जो जनरेशन है वो हाई जनरेशन है, वर्जन यूएसबी वर्जन 3.0 3.12 है, तो आपको काफी एक्सेस स्पीड देखने को मिल सकती है एज कंपेयर टू नेटवर्क बूट। यहाँ स्पीड की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो नेटवर्क बूट यहाँ पर स्लो बताया गया है, जबकि यूएसबी बूट को फास्ट बताया गया है। ऑब्वियसली ऐसा होता भी है, और नेटवर्क बूट कहीं कहीं काफी फास्ट एक्सेसिबिलिटी भी दे सकता है, ऐसा भी नहीं है। सो टेबल कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आपको नेटवर्क बूट जो है वो स्लो देखने को मिल रहा है, जबकि यूएसबी बूट फास्ट देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 95% बिल्कुल सही है। तो सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये थोड़ा सा नेटवर्क सेटअप, जो नेटवर्क बूट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू यूएसबी बूट, क्योंकि यहाँ पे आपको पीएक्सजी एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो उन सब पे ऐसा लैन कार्ड चाहिए होगा जिसके ऊपर पीएक्सजी रॉम चिप हो, या जिस पर्टिकुलर लैन कार्ड में, जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर में पीएक्सजी सपोर्टेबल लैन कार्ड नहीं है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है, तो आप नेटवर्क बूट कर ही नहीं सकते हैं। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें सर्वर को भी पीएक्सजी एनवायरनमेंट वाला होना चाहिए, और जितने भी क्लाइंट मशीन है जिस पे आप विंडो डालने वाले हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं, उस पर भी पीएक्सजी एनवायरनमेंट सपोर्टेबल लैन कार्ड होना ही चाहिए। जबकि यहां पर आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलती है, बहुत सिंपल होता है, साधारण होता है, सिंपल एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है, यूएसबी पोर्ट पे लगाना है और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देना है। तो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यूएसबी जो है वो सिंपल है, जबकि नेटवर्क बूट यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बेस्ट फॉर कहाँ के लिए बेस्ट है, तो नेटवर्क बूट हमेशा एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और जहां पे आईटी एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एक्सेस मात्रा में कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वहां पर आपको जो है बेस्ट रहेगा नेटवर्क बूट। और खास करके जहां पे डिस्कलेस सेटअप बनाना है, आपको ऐसा एक एनवायरनमेंट सेटअप करना है जहां पर आपको कंप्यूटर में डिस्क ही ना हो और एक ही पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से मल्टीपल कंप्यूटर चलाने हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपका नेटवर्क बूट सबसे बेस्ट रहने वाला है। खास करके यूएसबी बूट की बात करें तो यूएसबी बूट हमेशा एक इंडिविजुअल यूजर्स के लिए है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंप्यूटर के लिए है, मतलब एक पेन ड्राइव मींस एक कंप्यूटर, एक पेन ड्राइव यदि आपके पास है तो वो एक ही कंप्यूटर को एक समय में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाएगी, मल्टीपल को नहीं कर पाएगी। तो खास करके इंडिविजुअल यूजर्स की बात करें या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत क्विकली इंस्टॉल करना है, तो आपको यूएसबी बूट जो है बेस्ट रहने वाला है। क्या इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो नेटवर्क बूट में कभी कभी पड़ने वाली है और खास करके नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क दोनों में सपोर्टिव है खास करके। तो यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क में तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट लोकल एरिया नेटवर्क में आपको नेटवर्क में खास करके इंटरनेट की नीड नहीं पड़ने वाली है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप नेटवर्क बूट के माध्यम से जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, खास करके कभी
यहाँ पे लिखा गया है यस और लोकल नेटवर्क, तो खास करके आप ऐसा मान के चले कि 99% आपको इंटरनेट की जरूरत यहाँ पे भी नहीं पड़ने वाली है, 1% पड़ने वाली है, जबकि यूएसबी बूट में तो आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ने ही नहीं वाली है, तो आप यहाँ पे सीधे नो को आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। स्केलेबिलिटी की बात करें तो स्केलेबिलिटी में नेटवर्क बूट हाई स्केलेबल है जबकि यूएसबी बूट लो स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब है कि बहुतायत मात्रा में, क्या एक साथ बहुत सारे कंप्यूटरों पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। यदि आप नेटवर्क बूट यूज कर रहे हैं तो ये हाई स्केलेबल है, एक समय में एक बार में मल्टीपल कंप्यूटर पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके डन कर सकते हैं सेम आर्स में, जबकि यहाँ पे यूएसबी बूट में लो है क्योंकि एक पेन ड्राइव है तो वो एक समय में एक ही कंप्यूटर को एंटरटेन करेगी, दूसरे कंप्यूटर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड्स कंपैरिजन टेबल बिल्कुल क्लियर है, स्पीड के मामले में, सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में, बेस्ट फॉर के मामले में, इंटरनेट रिक्वायरमेंट के मामले में और स्केलेबिलिटी के रिक्वायरमेंट में हमने यहाँ पे एक एक चीज आपको क्लियर करके दिया हुआ है कि क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स आप इस पर्टिकुलर टेबल को जरूर नोट डाउन करेंगे जिससे कि आपको भविष्य में कोई भी डाउट आता है तो आप अपनी कॉपी से आराम से क्लियर कर सके। सो माय डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि यूएसबी बूट और नेटवर्क बूट के क्या प्रोस कॉन्स होते हैं, उस विषय में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले प्रोस एंड कॉन्स ऑफ यूएसबी बूट है, खास करके हम लाभ और हानि की बात कर रहे हैं, खास करके नफे नुकसान की बात कर रहे हैं। तो यदि आप यूएसबी बूट के प्रोस पे ऊपर ध्यान करेंगे तो यदि आप यूएसबी के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको फास्ट बूट टाइम मिलने वाला है, आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नेटवर्क डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, इंडिविजुअल कंप्यूटर पे विंडो डाल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं और ये आसानी से इजी टू यूज एंड पोर्टेबल है। मतलब पेन ड्राइव लगाया, विंडो डाली, पेन ड्राइव निकाला, किसी दूसरे सिस्टम पे चले गए तो आसानी से ये यूज कर सकते हैं और ये पोर्टेबल है। खास करके यहाँ पर कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है फिजिकल एक्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, मतलब जिस कंप्यूटर पे आप विंडो डाल रहे होते हैं उस कंप्यूटर की फुल एक्सेस आपको चाहिए होती है, क्योंकि उस पर पेन ड्राइव लगानी है, बैठ के ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आपको फिजिकल एक्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो ये इसके कॉन्स में दिया गया है, खास करके लिमिटेड लाइफ स्पैन ऑफ यूएसबी ड्राइव, यहां पर बताया गया कि यूएसबी ड्राइव का जो लाइफ है वो कम है, तो कहने का मतलब यूएसबी ड्राइव फेल होने के चांसेस हो सकते हैं, तो बेसिकली यूएसबी ड्राइव यदि फेल हो गई तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते हैं, तो आप इसको ऐसा समझ चलें कि यूएसबी फेलियर के केस में ये इसका कॉन्स बन जाता है। और खास करके एक समय में मास डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, मतलब एक समय में यदि आपको मल्टीपल कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो वो यूएसबी बूट के द्वारा पॉसिबल नहीं है। तो ये इसके कुछ प्रोस कॉन्स है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो रहा होगा। वीडियो पॉज करेंगे, थ्योरी को नोट डाउन करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि नेटवर्क बूट जिसे पीएक्सजी बूट कहते हैं इसके प्रोस कॉन्स क्या हैं। तो नेटवर्क बूट के प्रोस के ऊपर बात करेंगे तो नो नीड फॉर एक्सटर्नल स्टोरेज सर्वर, तो इस आपको यहां पर किसी प्रकार के कोई अलग से एक्सटर्नल स्टोरेज सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है, मतलब जैसे पेन ड्राइव जैसी यूएसबी ड्राइव वगैरह की नीड नहीं पड़ने वाली है। और खास करके ये स्केलेबल है, एक साथ मल्टीपल मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए कंपेटेबल माना जाता है, खास करके ये थिन क्लाइंट जैसे इन्वायरमेंट में, आईटी इन्वायरमेंट में ये विशेष करके इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर एक कंप्यूटर पर विंडो डली हो या एक कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम डला हो और अन्य सारे कंप्यूटरों पर डिस्क भी ना हो तो उसी एक सिंगल कंप्यूटर के द्वारा आप मल्टीपल कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करा सकते हैं। इसे हम थिन क्लाइंट नेटवर्क एनवायरनमेंट बोलते हैं, खास करके ये इंडस्ट्रीज में देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट ऐसा आप समझ के चलें कि खास करके नेटवर्क बूट थिन क्लाइंट एनवायरनमेंट में ज्यादा सपोर्टिव है। कॉन्स की बात करें तो आपको यहां पे हर एक कंप्यूटर में, कंप्यूटर पे आपको पीएक्सजी एनवायरनमेंट, पीएक्सई प्री एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट इनेबल रॉम चिप वाले लैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। खास करके बूट टाइमिंग की बात करें तो थोड़ा सा बूट स्लो बूटिंग करता है नेटवर्क के माध्यम से, मैंने आपको पहले बताया कि हो सकता है कि नेटवर्क में सारे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन सेम ना हो, सारे कंप्यूटर के लैन कार्ड की स्पीड सेम ना हो, हो सकता है जो आप कैटेगरी वाइज केबल लगा रखा है वो भी सेम ना हो सकता है सेंट्रल डिवाइस की स्पीड भी बहुत हाई ना हो, तो इस वजह से आपको यहाँ पे स्लो बूट फेस करने को मिल सकता है। और नेटवर्क में जरा सा भी फ्लिप फ्लॉप हुआ, किसी प्रकार का अप एंड डाउन हुआ तो पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस
एक ही बार में डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि डिपेंडेंसी नेटवर्क पर है, या किसी प्रकार से सेंट्रल डिवाइस में कोई फेलियर हो गया, बंद हो गया, किसी भी प्रकार का कोई भी सर्कमटेंसेज आ गए तो आपका पूरा नेटवर्क में जो इंस्टॉलेशन है वो फेल हो सकता है। तो ये खास करके नेटवर्क बूट का प्रोस कौन से माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करेंगे, प्रॉपर थ्योरी नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और बढ़ते हैं कुछ अगले टॉपिक के विषय में और समझने की कोशिश करते हैं कि और वेन टू यूज विच, किस समय कौन से आप इंस्टॉलेशन मेथड का यूज करने वाले हैं। तो यूएसबी बूट का इंस्टॉलेशन तब करने वाले हैं जब आप एक सिंगल मशीन पर विंडो डाल रहे हैं, आप ट्रबल शूटिंग मोड में हो, या आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम को ऑफलाइन यूज में लेना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में आप यूएसबी बूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेटवर्क बूट का इस्तेमाल तो आप तब कर सकते हैं जब आपको एक ही समय में मल्टीपल मशीन पर विंडो डालनी हो या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना हो, आपको डिस्कलेस क्लाइंट को मैनेज करना हो, या कोई इंटरप्राइज सेटअप इस्टेब्लिशमेंट होने वाला है, किसी कंपनी की कोई नई यूनिट लग रही है, वहां पर एक झटके में 500 कंप्यूटर पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको नेटवर्क बूट हेल्प करने वाला है। चूंकि एक सिंगल एक नहीं आप 10 भी पेन ड्राइव ले लेंगे तो भी कितनी बार आप इंस्टॉलेशन करते रहेंगे, इसलिए नेटवर्क बूट प्रिफर करते हैं जहां पर आपको एंटरप्राइज सेटअप इस्टेब्लिशमेंट हो रहा हो, एक साथ 100 150 200 500 कंप्यूटर हो, तो वहां पे आपको नेटवर्क बूट हेल्प करेगा, यूएसबी बूट वहां पे हेल्प आपको विशेष नहीं कर पाएगा। तो यहां पर हम इस पर्टिकुलर बूट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आई होप सो यहां पर आपको सारा कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया माय डियर फ्रेंड्स कि नेटवर्क बूट और यूएसबी बूट में डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सा बूट सिस्टम आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सारा कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा, आई होप सो। और यदि आपको सारे कंसेप्ट हमारे समझ में आ रहे हैं, वीडियो से आपको लाभ मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है आपको रिलेटेड टू हार्डवेयर नेटवर्किंग, क्लाउड वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट्स करके आप रिजोल्यूशन भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम रिजोल्व भी कर दी जाती हैं यहाँ पे आपको सिर्फ कॉमेंट्स के माध्यम से। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का विषय यहीं तक था नेटवर्क बूट वर्सेस यूएसबी बूट का, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बेहतर एक्सप्लोरेशन के साथ माय डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।